आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको बताऊंगी कि जन्माष्टमी व्रत के बाद भगवान कृष्ण की छठी कैसे मनाएं, किस चीज़ का भोग लगाएं। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को शेयर और लाइक भी करें। बंधुओं, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हम सब ने बड़ी ही धूमधाम से मनाया है, लेकिन जन्मोत्सव के बाद यदि छठी पूजन नहीं किया तो जन्मोत्सव व्रत और पूजा का कोई महत्व नहीं रह जाता। जैसे हमारे घरों में बालक होने के बाद छठी पूजन किया जाता है और छठी पूजन के बाद ही बालक के जन्म से संबंधित कोई अगला उत्सव मनाया जाता है, उसी प्रकार भगवान कृष्ण की छठी का उत्सव मनाना अनिवार्य है। कहते हैं कि माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव तो बड़ी धूमधाम से मनाया, लेकिन छठी मनाना भूल गई, क्योंकि भगवान कृष्ण के जन्म के बाद से ही एक के बाद एक ऐसी घटना घटती गई कि माँ यशोदा को अपने लाडले के सिवा कुछ दिखा ही नहीं। कहते हैं जिस दिन भगवान की छठी थी उस दिन पूतना माँ यशोदा के घर पहुँच गई और भगवान कृष्ण को गोदी में उठाकर स्तनपान के बहाने विष पान कराने लगी, लेकिन वो तो ठहरे जगत के पालन करता। उन्होंने पूतना को तो अपने हाथों से मुक्ति दे दी, लेकिन इस घटना से माँ यशोदा इतना घबरा गई कि उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा। समय बीतने के साथ जब भगवान कृष्ण का एक वर्ष बाद जन्मोत्सव आया और यशोदा ने पूरे गोकुल में कहलवाया कि वो अपने लाडले का जन्म उत्सव मनाएंगे, सब शामिल हो, तब गोकुल की बड़ी बुजुर्ग महिलाओं ने यशोदा से कहा कि हमने कान्हा की छठी नहीं मनाई है, पहले छठी मनाई जाएगी फिर जन्मोत्सव। तब जन्मोत्सव से एक दिन पहले भगवान कृष्ण की छठी मनाई गई फिर जन्म उत्सव, इसलिए आज भी गोकुल में जन्मोत्सव से एक दिन पहले छठी मनाई जाती है। तो जिस जिसने भगवान का जन्म उत्सव मनाया है वे छठी जरूर मनाएं। छठी मनाने के बाद ही आपके सारे कार्य संपन्न होंगे और भगवान कृष्ण की पूजा से आपके घर में भी खुशियां और सुख समृद्धि का वास होगा, और जिनके बाल गोपाल नहीं हैं शीघ्र ही उनके घर बाल गोपाल पधारेंगे। इसलिए छठी उत्सव को पूरी निष्ठा से संपन्न करें। छठी वाले दिन भगवान के बाल रूप को पंचामृत से स्नान करवाएं, भगवान को नए वस्त्र पहनाएं, वस्त्र पीले रंग के हों, फिर पीले चंदन से तिलक करें, पीले फूल चढ़ाएं। जिस जिसने भगवान कृष्ण का जन्म करवाया वह अपने मंदिर के पास गोबर की छोटी सी षष्ठी देवी की स्थापना करें, षष्ठी देवी को कोड़ी और लाल वस्त्र पहनाएं, भगवान के लिए माखन मिश्री का भोग बनाएं, कढ़ी चावल बनाएं, फिर भगवान के भजन करें, नाचे गाएं। कई स्थानों पर छठी वाले दिन विशेष तौर से किन्नरों को बुलाकर नचवाया जाता है, बधाई बांटी जाती है। इसलिए आप सब भी 28 अगस्त बुधवार को भगवान कृष्ण की छठी का उत्सव मनाएं और प्रसाद स्वरूप बनाए व्यंजनों को भगवान को अर्पित कर परिवार सहित ग्रहण करें और कान्हा जी से प्रार्थना करें कि अपना आशीर्वाद आपके ऊपर बनाए रखें। इस प्रकार जन्माष्टमी उत्सव के बाद ही छठी पूजन करने से पूरी पूजा सफल मानी जाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।